नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरी मिर्च खाने के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, हरी मिर्च का उपयोग करने से खाने में स्वाद आ जाता है और यदि खाने में मिर्च ना हो तो आप चाहे कितने ही मसाले क्यों ना डालें पर खाना मज़ेदार नहीं लगेगा। वैसे तो मिर्च कई रंगों में आती है, जैसे कि लाल, पीली, हरी वगैरह, लेकिन आज हम आपको अधिक उपयोग होने वाली यानी कि हरी मिर्च की जानकारी दे रहे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि हरी मिर्च का तड़का केवल खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि इसमें शरीर के लिए ज़रूरी कई सारे विटामिन भी मौजूद होते हैं। आपको भले ही जानकर आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन इसके सेवन से आपको सेहत के कई सारे फायदे मिलते हैं और जिन लोगों में आयरन की कमी होती है उनके लिए हरी मिर्च बहुत फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ क्योंकि इसमें आयरन का प्राकृतिक स्रोत है। हरी मिर्च विटामिन के का अच्छा स्रोत होता है और इसीलिए इसे खाने से ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना कम होती है और इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण कई प्रकार के इन्फेक्शन से हमें दूर रखते हैं। चाहे पतली वाली हरी मिर्च हो या शिमला मिर्च, दोनों में ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हरी मिर्च के फायदे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, हरी मिर्च खाने का फ़ायदा हमारे हार्ट के लिए होता है। हरी मिर्च हमारे हार्ट की हेल्थ को भी सुधारती है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके धमनियों के सख्त होने यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकती है और यह फाइब्रिनोलाइटिक की गतिविधि को बढ़ाती है और फाइब्रिनोलाइटिक हमारे शरीर में खून को जमने से रोकने में मदद करता है और जिससे कि दिल का दौरा आने की संभावना कई हद तक कम हो जाती है। साथ ही साथ इसके लाभ वजन घटाने में भी होते हैं। बहुत से लोगों को सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा पर हरी मिर्च के सेवन से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। जब हम तीखा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊष्मा बनती है और यह ऊष्मा हमारे शरीर से कैलोरी को जलाती है और इसका सेवन मेटाबॉलिज्म के स्तर को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके फायदे हाई ब्लड प्रेशर में भी होते हैं। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है उन्हें हमेशा फीका और कम तेल का खाना खाने की सलाह दी जाती है। हरी मिर्च में ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के गुण होते हैं और इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को अपने आहार में संतुलित मात्रा में हरी मिर्च को शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ इसके लाभ आँखों के लिए भी होते हैं। हरी मिर्च का सेवन हमारी आँखों के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन सी और बीटा कैरोटीन आँखों के लिए अच्छे होते हैं। हमेशा हरी मिर्ची को अंधेरी जगह पर रखें क्योंकि रोशनी और धूप के संपर्क में आने से इसके अंदर का विटामिन सी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इसके गुण दिमाग के लिए भी होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद होता है। बहुत से व्यंजनों में अधिक मिर्च होने पर भी वो इसे खाते रहते हैं। हरी मिर्च दिमाग में एंडोरफिन का रिसाव करती है और इससे हमारी मनोदशा में सुधार आता है और हम खुश महसूस करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसके फायदे त्वचा के लिए भी होते हैं। यदि आप अपनी त्वचा को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप अपने खाने में हरी मिर्च खाना शुरू कर दें। हरी मिर्च में विटामिन सी और ए होता है जो कि त्वचा के हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी मिर्च खाने लगें। आपको हरी मिर्च का संतुलित मात्रा में ही उपयोग करना है, नहीं तो आपके पेट में जलन होने लगेगी। हरी मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और इसीलिए यह त्वचा में होने वाले इन्फेक्शन को भी दूर करती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी हरी मिर्च के फायदे होते हैं। जिन लोगों के रोग प्रतिरोधक तंत्र बहुत कमज़ोर होते हैं उन्हें बीमारियां बहुत जल्द अपना शिकार बना लेती है। सर्दी खांसी जैसी बीमारियां तो आए दिन हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। यदि आप अपने आहार में हरी मिर्च को शामिल करते हैं तो इससे आपको विटामिन सी मिलता है और आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हरी मिर्च में भी नारंगी के समान विटामिन सी होता है जो कि हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाती है। दोस्तों, बात की जाएगी हरी मिर्च के नुकसान क्या होते हैं। तो हरी मिर्च खाने के जैसे बहुत फायदे हैं, वैसे इसका अधिक मात्रा में सेवन करना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसमें मौजूद कैप्साइसिन पेट की गर्मी को बढ़ाता है जिससे कि अनेकों प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं। हरी मिर्च में अधिक फाइबर होता है और इसकी अधिक मात्रा से डायरिया हो सकता है। इसमें मौजूद कैप्साइसिन से मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं रहता है और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कम होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अल्सर की संभावना को बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्च के अधिक सेवन से पेट में जलन और चक्कर की समस्या भी हो सकती है। हरी मिर्च के अधिक सेवन से डायबिटीज सामान्य से भी नीचे हो जाता है और इसीलिए डायबिटिक रोगी जो कि डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं वे लोग हरी मिर्च का अधिक सेवन ना करें। हरी मिर्च में कैप्साइसिन होता है और इसके अधिक सेवन से आपको त्वचा संबंधित एलर्जी हो सकती है और हरी मिर्च अधिक मात्रा में कैप्साइसिन होने के कारण बवासीर से पीड़ित व्यक्ति इसका अधिक मात्रा में सेवन ना करें, नहीं तो आपको बवासीर में और भी दिक्कत आने लगेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।